दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, दिन भर के सह प्रायोजक हैं विष्णु शंकर ज्वेलर्स, स्विगी, मुथूट फाइनेंस। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ गोरखपुर शहर ही नहीं पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सभी को संविधान दिवस की ढेरों बधाइयां। जिला जज ने संविधान दिवस पर न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को दिलाई शपथ। जेई और एईएस पर लगने वाले मेडिकल कैंप को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने की शहरवासियों से अपील। संविधान दिवस पर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान एवं उसके जीवन से संबंधित प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। एसएसपी ने भारतीय संविधान के पद चिन्हों पर चलने की दिलाई शपथ। संविधान दिवस पर एडीएम सिटी ने संविधान की रक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मचारियों और अधिकारियों को दिलाई शपथ। पुलिस लाइन में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर गोष्ठी का हुआ आयोजन। टीईटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीएम सिटी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। एसएसपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डायल 112 के पीवीआर गाड़ियों का किया निरीक्षण। संत कबीर नगर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में कोहरे के कारण आपस में भिड़े दर्जनों वाहन, दर्जन भर लोग भी हुए घायल। एसएसपी ने निर्माणाधीन आरक्षी व मुख्य आरक्षी बैरकों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर वासियों को तोहफा, कैंसर पीड़ितों का इलाज और दवाइयां होंगी मुफ्त। संविधान दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आचार्य प्रतापादित्य राम त्रिपाठी की स्मृति में आयोजित हुआ व्याख्यान का कार्यक्रम। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी और देश के प्रति आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा किया गया प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। कुशीनगर में कुबेर स्थान के पास दो बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, दो हुए घायल। विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया पैदल मार्च। और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति समूह का संयुक्त मोर्चा डीएम को सौंपा ज्ञापन, मनाया संविधान दिवस। 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस, इस दिवस को पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया, जिसमें जहां एक और प्रशासनिक महकमा भी शामिल था, वहीं पुलिस के भी लोगों ने संविधान पे अपनी आस्था को उजागर करते हुए कस्में भी खाई। इसी के मद्देनज़र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को अपना एक संदेश एक वीडियो के माध्यम से दिया है और लोगों से अपील की है कि वो इस संविधान दिवस पर कसम खाएं कि इसकी शुचिता और एक स्वस्थ लोकतंत्र में बतौर नागरिक हमेशा वो इस संविधान का सम्मान करते रहेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। उस ऐतिहासिक अवसर की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखते हुए प्रत्येक देशवासी राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर सके, इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस आयोजित करने की घोषणा की। तब से प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष संविधान दिवस का अवसर अत्यंत विशिष्ट है।
क्योंकि पूरा देश संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत के संविधान में जहां एक ओर नागरिकों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं राष्ट्र के निर्माण में योगदान के लिए अनुच्छेद 51 क में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों को मार्गदर्शन भी किया गया है। संविधान के आदर्शों व सिद्धांतों के अनुरूप देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव से प्रयासरत रहने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष देश को प्रस्तुत करने के लिए मूल कर्तव्यों का पालन आवश्यक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वाधान में भारत के 70वें संविधान दिवस के अवसर पर नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों से अपर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण गोरखपुर गोविंद पल्लव शर्मा ने की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर राहुल कुमार सिंह, जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर मनोज कुमार राय, सीजीएम श्रीमती तारकेश्वरी, पारिवारिक न्यायाधीश देवेंद्र प्रताप सिंह, एडीजे सुशील कुमार शाही, गोरखपुर जनपद के सभी न्यायाधिकरण सहित न्यायाधिकारी और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप शाही, मंत्री अजय कुमार शुक्ला एवं तमाम अधिवक्ता गण ने शपथ ली। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमें सीजन साहब उन्हीं के नहीं, काफी गरीब रहे उस समय, स्वतंत्रता के समय सभ्य राष्ट्र के रूप में एक विधान की आवश्यकता महसूस की गई और एक हमारे सामने एक परीक्षा की घड़ी आई कि वह एक विधान हमारे देश के एक सभ्य राष्ट्र में विश्व में हम स्थापित कर सकें। उस चुनौती के को हमारे उस समय के महापुरुषों ने स्वीकार किया और उन महापुरुषों ने, जिसमें काफी वृद्ध लोग भी रहे, काफी बीमार रहे, उसके उपरांत उसमें कुछ ऐसे ऊर्जावान हमारे महापुरुष रहे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जेई और एईएस की रोकथाम व मरीजों को जन जागरूकता के लिए लगाए जाने वाले कैंप के बारे में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने सिटीवन से बात करते हुए जानकारी देते हुए कहा, 3 तारीख दिसंबर में जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक आधुनिक कैंप हम लोग मनाए जा रहे हैं, उस पर खासतौर पर जो जेई एईएस बीमारी की वजह जो बच्चे जो बीमार हो जाते हैं, खासतौर पर मानसिक बीमार हो जाते हैं, उन्हीं का सही कराने के लिए और साथ साथ जो भी शारीरिक और मानसिक बीमारी होता है तो वो बच्चे का सही कराने के लिए पूरे एक्सपर्ट रहेंगे। उन्हीं का जो बच्चे का जो मान लीजिए जो भी बच्चे का इलाज होना है यहाँ गोरखपुर में हो जाएगा, किसी के दिल्ली में होना है, लखनऊ में होना, उसको भी व्यवस्था करा लेंगे, सारे तरह के एक्सपर्ट रहेंगे। मैं आपका चैनल के जरिए से अपील कराना चाहता हूँ, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं मानसिक और शारीरिक रूप से हैं, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, वो कृपया करके इस पर पार्टिसिपेट करें। इसका आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और इलाज है और कैलिपर है, जो भी चाहिए वो सारे चीज़ उसी दिन मिल जाएगा, कृपया करके ज़रूर उस पर पार्टिसिपेट करें।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान एवं उनके जीवन से संबंधित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन नौकायन स्थित नुमाइश ग्राउंड में किया गया। इस प्रदर्शनी में इसका शुभारंभ जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडे ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव एवं सूचना विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। स्कूल वाले DOS BSI को बता रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे पर देख ले पहले संविधान के बारे में। इस मौके पर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, 95 इस पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी से पूरा संविधान बना हुआ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो हम लोग का भी हक है, यानी जो रिट के बारे में और जो आम नागरिक का जो मूलभूत सुविधा है और मूलभूत हक है, मूलभूत जिम्मेदारी है, इसी के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आज 3 दिन हम लोग इसी का मनाएंगे। आज भी सुबह 11 बजे सबको शपथ दिलाए थे हर विभाग में, ताकि हर नागरिक गर्व होना चाहिए था। हम लोग भारतवासी हैं, भारत का इतने अच्छा लिखा हुआ संविधान है, उसी का दिया हुआ है जो तमाम पहल के वजह ये भारत आधुनिक और मजबूत भारत के रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सारे जनता को मैं बधाई देने चाहता हूँ, इसी दिवस को हम लोग गर्व के साथ मना लें। और इस पे जानकारी जो हम लोग को अड़ोस पड़ोस और जो घर में जो छोटे बच्चे हैं और जो भी नौजवान लड़के हैं, लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये प्रेरणा लेते हुए 3 पीढ़ी गुजर गया है हम लोग तो आज़ाद पाते हुए, उसके आगे पीढ़ी के हम लोग इसी वैल्यूज़ को हम लोग को आगे पीढ़ी को देना है, उसी एक माध्यम है, उसी का आज अवेयरनेस क्रिएशन के लिए एक पहल हम लोग किए। भारत के संविधान की मान्यता 26 नवंबर 1949 को दी गई। उसी संविधान के पद चिन्हों पर चलने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड पर पुलिस अधिकारी और पुलिस जवानों को शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एडिशनल SP वायरलेस रामनिवास यादव, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक रमेश सिंह और महिला व पुरुष जवान मौजूद रहे। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में एतद् द्वारा कंधे इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, जैसा कि आपको पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, और आज उसी तरह की उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ सभी को पढ़ाया गया है, जिस प्रस्तावना में हमें ये बल मिलता है कि हम देश को अपने जो है आगे ले जाएंगे और उसकी विशेष बातें जो हैं उनको बनाए रखेंगे, उसकी अखंडता बनाए रखेंगे और जो उसकी मूल्य हैं, जो भी मूल्य हैं उनके
चाहे वो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता हो, चाहे वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो, उन सभी को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस में हर जगह पर संविधान की प्रस्तावना का एक बार फिर से उच्चारण और पाठ किया गया है और साथ में शपथ ली गई है देश की अखंडता और बंधुता बढ़ाए रखने। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कर्मचारी और अधिकारियों को संविधान की रक्षा कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे। देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे। हिंसा से दूर रहकर बंधुता बढ़ाएंगे। सामाजिक संस्कृति का संवर्धन व पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि में उत्कृष्टता बढ़ाएंगे। सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। एवं स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। इसके बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। संविधान सभा ने उसे तैयार कर लिया था। उसी का आज वर्षगांठ मनाई गई है। इसमें संविधान की जो प्रियम्बल है उसको पढ़ा गया है, सबको उसकी शपथ दिलाई गई है और जो अलग से हमारे कर्तव्यों को पालन करने के लिए संविधान से संबंधित जो आपकी शपथ पत्र थी उसको भी सबको शपथ पत्र पढ़ के उनको शपथ दिलाई गई। गोरखपुर के पुलिस लाइन सभागार में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में गोरखपुर मंडल के तमाम व्यापारियों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें व्यापारियों की समस्याएं सुनी गई। कि पहले जब ये बैल के माध्यम से अपना खेती बाड़ी जो करते थे, खेत जोतना होता था, तो कुछ अपना बैल रिश्तेदारियों में 20 से 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारियों में, तब जब जंगल से भी कुछ है पूरा नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको बार बार कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, गोष्ठी प्रत्येक माह पुलिस लाइन सभागार में हम लोग आयोजित करते हैं जिसमें व्यापारी बंधुओं की समस्याओं के संबंध में चर्चा की जाती है। किन किन समस्याओं का समाधान हो गया, किन किन कौन कौन सी समस्याएं अभी लंबित हैं, उसमें क्या प्रगति है, अद्यतन स्थिति क्या है, नई समस्याएं कोई आई हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के लगभग 2 घंटे की मीटिंग हो जाती है। तो व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित मीटिंग है। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एडीएम सिटी कच्छ में 22 दिसंबर को होने वाले टीईटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ कमर कस चुका है। जनपद के अच्छे छवि वाले विद्यालयों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इस बार टीईटी की परीक्षा में कुल 56 केंद्रों पर 3,800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे जिसमें प्रमुख रूप से डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, डाइट के प्राचार्य आदि मौजूद रहे। नकल कराने वाले तो नहीं हमारे जनपद में कुछ विद्यालय ब्लैक लिस्टेड रहते हैं, वो तो करते हैं लोग को एक तरीके सारे सेटअप है ताकि हम लोग को छप्पन भी ले आए। इसके लिए आज तक के एग्जामिनेशन जब से हो रहा है कोई मुन्ना भाई वाला नहीं पकड़े, वही नकल वाला हमने 2018 में पकड़े थे। वही वाला पहले बच्चा फार्म अलग अलग भरता था, जूनियर का अलग और प्राइमरी का अलग,
इस बार एक ही फार्म पूरा रोल नंबर भी वही होगा, इंटीग्रेटेड हो गया जी। अब एक बच्चा एक फार्म भरेगा, ये भरेगा उसी को दोनों, अगर दोनों हो जाए दोनों दे एक देना चाहिए। इसके बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक टीईटी परीक्षा के लिए जो 22 दिसंबर को प्रस्तावित है के संबंध में डीआईएस बीएसए और डाइट के प्रिंसिपल साहब एसपी क्राइम साहब के साथ हम लोगों ने एक बैठक की है, जिसमें 56 सेंटरों को अभी हम लोगों ने निश्चित किया कि इस पर परीक्षा ली जा सकती है, ये अच्छी छवि के विद्यालय है। उसी के संबंध में आज चर्चा हुई है और बैठक संपन्न हुई। पुलिस लाइन में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने डायल 112 के पीवीआर ग्रामीण क्षेत्रों की गाड़ियों का निरीक्षण किया और उसके रखरखाव की जानकारी भी ली। इन सभी गाड़ियों के बारे में किसी प्रकार की कोई खामियां दिखाई दी तो उसे तत्काल दुरुस्त करने का उन्होंने निर्देश भी दिया। इस मौके पर डायल 112 पीवीआर बड़हलगंज की गाड़ी को खुद चलाकर उसका अनुभव किया और संतुष्ट होकर पुरस्कृत भी किया। इंजन ऑयल मोबाइल इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, रैंडम तरीके से हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एसपी जा नहीं सकता है, बहुत दूर दूर गाड़ियां लोकेशन में रहती है, तो थोड़े समय के लिए बुलाई गई हैं। और आपको पता ही है कि डायल 100 112 में कन्वर्ट हो गया है, तो गाड़ियाँ रोटेशन बेसिस पर बुला करके चेक की जा रही हैं, साफ सफाई, उनकी ब्रीफिंग, उनके आचार व्यवहार में बदलाव और जनता की सेवा और बेहतर हो सके इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लोकेशंस कवर हो सकें, कहीं कोई लूट ना हो, इनका रिस्पांस अच्छा हो, उन सब के प्रयास को देखते हुए ही ये एक ब्रीफिंग सेशन लगातार हम चला रहे हैं। रोज ही 8 गाड़ियां मंगाते हैं और ये आज रूरल एरिया आप देख रहे हैं, बड़हलगंज की गाड़ी मैंने खुद चला करके देखी, काफ़ी अच्छी स्थिति में, मैं इसके लिए ड्राइवर को पुश कर भी कर रहा हूँ। सर, गीडा और सजन्ना तमाम ऐसी गाड़ियाँ जो हाईवे पे पर्दे जो है पेट्रोलिंग करती है, वैसे में इन गाड़ियों की स्थिति को लेकर क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, सभी का हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो अच्छी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं रूरल एरिया बड़हलगंज है, अच्छी गाड़ी होनी वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको एट अ टाइम 20-20 किलोमीटर तुरंत जाना पड़ता है, आना पड़ता है, एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ता है। अर्बन एरिया में कम गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन अर्बन एरिया में इंजन्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कम स्पीड में चलाना पड़ता है उनको, बार बार भीड़ में चलाना पड़ता है, तो रूरल एरिया की अपनी परेशानी है, धूल गर्दा, तो सभी तरह के ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को रोटेशन करके हम लोग
अच्छी सेवा देने की कोशिश करते हैं। संत कबीर नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली के मीरगंज NH 28 पर कोहरे के कारण आपस में दर्जनों वाहन भिड़ गए। वाहनों में बैठे दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल उन्हें भिजवा दिया। इस दौरान नेशनल हाईवे 28 पर घंटों जाम लगा रहा। कहाँ गड़िया है उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के अभियंता के साथ 32 महिला व उप निरीक्षक के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल एवं 8 मंजिला पुरुष आरक्षी बैरकों का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता और पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने किया। वहीं निर्माण कार्य को समझकर पूरा समय से पूरा कराने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी इन उपस्थित अधिकारियों ने दिए। साल हो गया तुम्हारा कोई एक एकड़ है ना महिला हॉस्पिटल की ठीक है इसलिए साल हो गया तुम्हारा कोई मैनेजमेंट नहीं। तो अभी वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं जल्द ही। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी गैस्ट्रो सर्जरी स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं जैसे पित्त की थैली अपेंडिक्स बच्चेदानी रसौली ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी आंत का फंसना आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन ब्रेस्ट थायराइड हॉर्निया बवासीर हाइड्रोसील का इलाज ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला ICU। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल निकट पूर्वांचल बैंक बुद्ध विहार कॉमर्शियल तारामंडल पुलिस चौकी के पीछे गोरखपुर।
शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ हमारे यहाँ पधारे विष्णु शंकर ज्वेलर्स यानी खरा सोना। हमारा पता है विष्णु शंकर ज्वेलर्स, जलकल भवन, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9935720 23। हमारी दूसरी शाखा गोपी गली, हिंदी बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838667050। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू? इस घर में मेरी वैल्यू तो। थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ब्रेक के बाद दिनभर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और तोहफा गोरखपुर वासियों को मुहैया होने ही वाला है। कैंसर से पीड़ितों का इलाज कीमोथेरेपी के जरिए गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल में जल्द ही अब शुरू हो जाएगा। आने वाली 29 तारीख को कैंसर रोगियों के लिए बनाए जा रहे भवन का शुभारंभ होगा। इस भवन में इलाज और दवाइयां बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी ने कहा, कम्युनिकेबल डिजीजेस में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तीनों ये डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए शासन ने पहले भी यहाँ NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सेल और उसकी क्लिनिक बना रखी है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी तैनात हैं, लैब टेक्नीशियंस भी हैं। अभी एक कैंसर रोधी अभियान के तहत हमारे जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए एक यूनिट का गठन कर दिया गया है और उसमें एक डॉक्टर ट्रेन, डॉक्टर शहनवाज, वो ट्रेंड भी हो गए हैं कि अगर किसी को भी कहीं से डायग्नोसिस बनती है और उसको केवल कीमोथेरेपी का इलाज दिया जाना है तो वो निःशुल्क तरीके से हमारे अस्पताल में दिया जाएगा। व्यवस्था ये भी हो रही है। वहीं संबंध में सिटी वन संवाददाता से एक खास बातचीत के दौरान जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शहनवाज ने कहा, थेरेपी लेने के लिए महानगरों लखनऊ या दिल्ली बॉम्बे जाते थे, उनको अब वहाँ नहीं जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आकर के कीमोथेरेपी ले सकते हैं। इससे पेशेंट का भाग दौड़ और अन्य मतलब की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। कितनी क्षमता होगी जो आप वार्ड बना रहे हैं, अभी कितने लोगों को आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे? अभी तो नहीं है सर, स्टार्टिंग में उन्होंने 5 बेड रखा है। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग वार्ड बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपको विशेष तौर पे एक ट्रेनिंग पे भेजा गया था, वो किस तरह की ट्रेनिंग थी? फेलोशिप दिया गया है कीमोथेरेपी देने के लिए मुझे। कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के PNB बैंक के पास दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए। बाइकों पर सवार लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना कर कुबेर स्थान के CSE में पहुंचाया, जहां पर उनकी प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। संविधान दिवस समारोह के अवसर पर आचार्य प्रतापादित्य राम त्रिपाठी स्मृति का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित किया गया। व्याख्यान संविधान दिवस के औचित्य एवं उसकी उपयोगिता विषय पर रखा गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता विधि संकाय एवं चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद व कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिहरन ने किया। कार्यक्रम का आयोजन DCU के विधि संकाय विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
इस व्याख्यान में संविधान से जुड़े हुए लोगों को उनकी अमूल्य कार्य के लिए याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। वहीं संविधान के पालन और उसकी सुचिता को बनाए रखने के लिए भी छात्र छात्राओं को बताया गया। संविधान दिवस को हम लोगों ने समारोह का आयोजन किया है, 3 दिन तक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम को समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। कल हमने कई प्रतियोगिताएं रखा, संविधान की थीम पर ही रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रदर्शनी व भी प्रतियोगिता की, एकल भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और मोकोड का मंचन कल हुआ। आज आचार्य प्रदीप राम पार्टी में होंगे लेक्चर, संविधान दिवस पर ही होगा, जिसकी थीम आप पढ़ रहे होंगे, संविधान दिवस का औचित्य और उसकी उपाधेय था। कल फिर हमारे विद्यार्थियों द्वारा हम लोगों के निर्देश, सभी प्राध्यापकों के निर्देशन में, उनके संरक्षण में कल न्यायालय भ्रमण, शासकीय कार्यालय का भ्रमण। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के नागरिक सुरक्षा कोर के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के सभागार में प्रारंभ हुआ। शिविर के पहले दिन नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में छात्र छात्राओं को बताया गया। वहीं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ आपसी सहयोग करने के बारे में भी उन्हें बताया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के व्यवस्थापक आशुतोष मिश्र, नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, कोतवाली प्रखंड के डिवीजनर वार्डन जितेंद्र देव उपाध्याय, दुर्घटना नियंत्रक अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा मौजूद रहे। कोई वार्डन किसी भी जगह आप लोगों ने साथ देखा भी होगा, अपने अगर स्मृतियों को आप कभी मेले में जाइए, सिविल डिफेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि बताया गया, किसी भी त्यौहार में या किसी पर्व में या कोई आपके यहाँ रैली है या किसी अधिकारी, जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का आना होता है, तो हम उसमें अपनी जो भी क्राउड है उसको व्यवस्थित करने के लिए हम तरीके से आने जाने के लिए बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीका अख्तियार करता है तो उन्हें विनम्रता पूर्वक कहते हैं। कई दिनों से लगातार विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले लेखपाल संघ के कार्यकर्ताओं ने आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च की शुरुआत चेतना तिराहा स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा से की गई। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति के बैनर तले अपनी विभिन्न 15 सूत्री मांगों को लेकर जल निगम के कर्मचारियों ने जलकल बिल्डिंग से पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। ये पैदल मार्च गोलघर हरिओम तिराहा होते हुए अंबेडकर चौक से शास्त्री चौक होते हुए वापस जलकल बिल्डिंग पर आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर समिति के जनपद प्रवक्ता अखिलानंद, इंजीनियर एस के सिंह, इंजीनियर विजय श्रीवास्तव, इंजीनियर सुजीत चौरसिया, रामचल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने संविधान दिवस मनाया। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। बाबा साहब जब मनुस्मृति का दहन किया था तो हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जितने भी लोग थे वे सभी अस्वस्थ या किसी कारणवश उनकी सहायता नहीं कर सके थे, तो आज हम लोग संविधान सभा, हमारा संविधान जो है बहुत ही मुसीबत से गुजर रहा है, क्योंकि ये माँ उतार कर देखो यारो, आज भारत का संविधान खतरे में है। तो हम लोगों को
संविधान को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और संविधान। तो दिन भर के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।